हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए एक बार फिर से ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले देख लिया था हमारा ट्रांसफार्मर चल रहा था चैप्टर, और अब हम देखेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है। फ्रेंड्स, जो वीडियो पे नए हैं वो चैनल को एक बार पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब ट्रांसफार्मर चैप्टर पे। फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था ट्रांसफार्मर के आउटपुट के आधार पर जो हमारे ट्रांसफार्मर थे वो हमारे पास थे दो। वो कौन कौन से थे? एक तो स्टेप अप और एक हमारा था स्टेप डाउन। ये हमारे पास दो ट्रांसफार्मर थे, ये हमने देख लिए थे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोर की संरचना के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर। जो फ्रेंड्स हमारे कोर की संरचना के आधार पर है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा कोर है वो हमारी कोर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी कोर है, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में, किसी ट्रांसफार्मर में हमारी जो वाइंडिंग होती है, जो हमारी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग को सहारा देने के लिए क्या होती है हमारे पास? कोर होती है। फ्रेंड्स, ये जो कोर होती है वो हमारी क्या होती, इसमें क्या होता है कि ये हमारी होती है सिलिकॉन स्टील की। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की जगह हम यहाँ पे ले ले ठोस आयरन की, ठोस लोहे की, अगर ठोस लोहे की कोर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारा ट्रांसफार्मर हमने जो देखा था उसमें जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग थी, तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र बनने पर क्या होगा, ठोस जो हमें यहाँ पे अगर ठोस लोहे की कोर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे एडी धारा सती और हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस सती बढ़ जाती है, जो हमारे पास हिस्टेरिसिस सती है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये हमारे पास छतियां बढ़ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो दक्षता यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो बजाय अदर मशीनों के बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे जो होती है वो हमारी 92-98% होती है। तो अगर यहाँ पे ठोस कोर ले लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे लेते हैं सिलिकॉन स्टील और सिलिकॉन स्टील हम यहाँ पे लेते हैं। तो जो सिलिकॉन स्टील लेते हैं उसके अंदर हम एडी धारा क्षति और हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए जो क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं हम, कि सिलिकॉन स्टील के अंदर, स्टील के अंदर हम जो सिलिकॉन की मात्रा है, सिलिकॉन की जो मात्रा है वो हम यहाँ पे रखते हैं, सिलिकॉन की जो मात्रा है वो हम यहां रखते हैं 3.8% से यहां पे हम रखते हैं 4.5% तक। यहां पे जो सिलिकॉन की मात्रा जो हम इस स्टील के अंदर मिलाते हैं वो यहां पे मिलाते हैं 3.8 से 4.5 तक। और यहां पर जो हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए ये हम यहां पे किस, यहाँ पे जो हम मिलाते हैं सिलिकॉन की मात्रा वो हम मिलाते हैं यहाँ पे लोहे में हम यहाँ पे क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा, जिससे हमारा क्या होता है, इससे हमारे जो ये हिस्टेरिसिस क्षति है वो हिस्टेरिसिस क्षति क्या होती है यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक हानि कम हो गई तो हमारी यहाँ पे दक्षता क्या है, थोड़ी बढ़ गई। अब यहाँ पे अगर जो ठोस लोहा हम ले रहे हैं तो ठोस लोहे के अंदर जो भंवर धारा है, हमारी एडी धारा शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ठोस लोहे को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पत्ती नुमा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, हम छोटी छोटी पत्तियों के अंदर यहाँ पे
इस लोहे को बांट देते हैं। लोहा तो उतना ही मोटा है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हम पत्तियों के रूप में बांट दिया। अब यहाँ पे ये पत्तियां जो होती है फ्रेंड्स, इन पत्तियों की भी जो मोटाई होती है हमारी, जो मोटाई होती है वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है यहाँ पे हमारे पास 0.35 से या 0.35 से 0.5 0.35 mm। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको मिटा के सही से लिख देता हूं, जो हमारी यहां मोटाई होती है पत्तियों की, मोटाई जो होती है, जो मोटाई होती है वो होती है 0.35 से 0.5 mm में होती है फ्रेंड्स ये, यानी कि बहुत ही कम पत्ती, कम मोटाई की यहाँ पे क्या पत्तियां यूज में ली जाती है। और यहाँ पे प्रत्येक पत्ती को एक साथ जोड़ने पर, एक साथ जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स इनके बीच में हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड, यानी कि इनके बीच में हम वार्निश वगैरह कुछ लगा देते हैं, जिससे कि एक दूसरे से आप कोई इनके अंदर इंटरकनेक्टेड ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हानि को कम करने के लिए कोर के अंदर अशुद्धि मिलाना। अब हम देख लेते हैं कोर जो होती है हमारी, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हम बात कर लिए कोर की, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कोर के प्रकार, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट होता है हमारे पास, यहाँ कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे जो यहाँ पे होता है, फर्स्ट जो होता है हमारे यहाँ पे वो होता है सेल प्रकार का, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। ये हो गया हमारा सेल प्रकार का, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो हमारी पत्तियां होती है, उन पत्तियों की कोई आकृति होती है, वो आकृति क्या होती है हमारे पास, ई प्रकार की, एम प्रकार की, टी प्रकार की, यू प्रकार की और आई प्रकार की, आई प्रकार की बोलो यहाँ पे, या फिर आई आकृति की हमारे पास होती है, आकृति की। आई आकृति की हमारे पास होती है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो प्राइमरी, यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक ही, जो हमारे पास जो मिडल वाली जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारी ये ई प्रकार की हमारे पास क्या हो गई, पत्ती हो गई, हमारे पास ये क्या हो गई, ई प्रकार की पत्ती हो गई, ये हमारे पास हो गई ई प्रकार की। और इसके ऊपर हमारे पास यहां ले लेते हैं हम यहाँ पे आई प्रकार की पत्ती। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसमें अब प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर जो होती है वो हमारी होती है सिर्फ एक ही पत्ती पर, जो पत्ती जिस पत्ती पर होती है वो होती है सेंटर पत्ती। अभी यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हो गई हमारी, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हो गई हमारे पास सेंटर कोर पे, और जो सेकेंडरी हमारे पास वाइंडिंग होती है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही होती है। यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, हम प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेटर लगा लेते हैं या हमारे अचालक वो कागज लगा लेते हैं, जिसके कारण हमारी इंटरकनेक्टेड नहीं होता ये किसी भी प्रकार का। यहाँ पे हमारे हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमारे पास इसके दो टर्मिनल हो गए, ये हमारे पास हो गई प्राइमरी और ये इधर हो गई अंदर प्राइमरी और इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। फ्रेंड्स इसमें जो हम देख रहे हैं हमारे पास जो फ्लक्स के जो मार्ग होते हैं हमारे पास यहाँ पे दो होते हैं। किस प्रकार से दो होते हैं, हम जैसे ही यहाँ पे इसको एसी सप्लाई से जोड़ेंगे, हम इसको एसी सप्लाई से जोड़ेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग देखो फ्रेंड्स, एक तो यहां से हो गया हमारा और एक यहां से हो गया। फ्रेंड्स जो यहाँ पे चुंबकीय जो मार्ग होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होता है हमारे पास,
चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग है फ्लक्स के गुजरने का, चुंबकीय फ्लक्स के गुजरने का जो मार्ग होता है वो हमारे पास यहाँ पे कितना होता है, दो होता है फ्रेंड्स। देख लो, एक तो यहाँ पे हमारे जैसे चुंबक बना तो एक तो रास्ता हो गया हमारे पास ये वाला, और एक हमारे पास रास्ता हो गया ये वाला। तो यहाँ पे दो चुंबकीय मार्ग होते हैं। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास, जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के अंदर, यहाँ पे सिंगल फेज के अंदर स्टेप अप व स्टेप डाउन के लिए काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे अगला हमारे पास इसी का जो तीन पार्ट है, तीन में से अब नेक्स्ट पार्ट है वो है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। सेल प्रकार का हमने देख लिया, अब देखेंगे हम यहाँ पे कोर प्रकार का। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी पत्तियां होती है वो पत्तियां हमारी यहां पे होती है यू आई और एल आकार की, एल आकृति की हमारे पास यहां पे क्या होती है पत्तियां, एल आकृति की हमारे पास यहाँ क्या होती है पत्तियां होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं वो कुछ इस प्रकार करते हैं कि यहां पे हम ले लिए यू प्रकार की, ये हमारे पास हो गई यू प्रकार की पत्ती, और यहां पे हम ले लेते हैं आई प्रकार की पत्ती। फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं वो हम यहाँ पे दोनों कोरों पर स्थापित करते हैं। तो यहां पर हम कर देते हैं, ये हमारी हो गई प्राइमरी और यहां पर हमारे पास हो गई सेकेंडरी, दोनों कोरों पर वाइंडिंग स्थापित करने पर, जो हम यहाँ पे दोनों कोरों पर वाइंडिंग स्थापित कर दिए तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम इसको एसी सप्लाई से करंट देंगे तो इसमें क्या धारा प्रवाह होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जब बनेगा तो यहाँ पे चुंबकीय जो फ्लक्स का मार्ग होगा, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग है वो केवल क्या होगा फ्रेंड्स, एक होगा। कैसे, जैसे हमारी धारा इधर वाली है तो हमारे पास यहाँ पे जो मार्ग हो गया वो किधर हो गया, सिर्फ एक साइड, यहां से ये क्या होगा कंप्लीट होने लग जाएगा, इधर से इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट होने लग जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो गया सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या हो गया मार्ग हो गया। अब जो फ्रेंड्स बात करें इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर वो होते हैं हमारे पास, उनका हम प्रयोग करते हैं उच्च वोल्टेज फ्रेंड्स, मैं इसको साफ कर देता हूं। यहां पे जो इसका उपयोग करता है, जो प्रयोग है वो है उच्च वोल्टेज पर निम्न शक्ति प्राप्त करने के लिए, उच्च वोल्ट पर निम्न शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या है इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट तीसरा और जो हमारे आखिरी है कोर संरचना के आधार पर, वो हमारा है बेरी प्रकार का। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी है वो है बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पत्तियां होती है वो बेरी प्रकार की होती है, जो हमारे पास यहां पत्तियां होती है वो होती है हमारे पास बेरी प्रकार की होती है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि
कई आयताकार जो पत्ती होती है, कई आयताकार पत्तियों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि हमारे सेंटर पॉइंट से वो इस प्रकार की कुछ आकृति बनाए। कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार की आकृति बनाए, ये हमारे पास यहाँ पे कई आयताकार पत्तियों को हम इस प्रकार इस पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे, कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत सारी आयताकार पत्तियों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार दोनों साइड है। ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, कई आयताकार पत्तियों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हम इस सेंटर पॉइंट पर, यानी कि जो सेंटर कोर होती है इस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी व यहाँ पे जोड़ देते हैं हम प्राइमरी व सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पे प्राइमरी जो वाइंडिंग होते हैं वो हम पहले इसके ऊपर स्थापित करते हैं, फिर उसी जैसे कि अभी हमने देखा था उसमें सेल प्रकार के, जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में देखा था उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं इस पे सेकेंडरी वाइंडिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास जो चुंबकीय मार्ग, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होता है वो क्या होता है यहां पे अनेक, यहां पे चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होता है वो हमारे पास अनेक होता है। फ्रेंड्स इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग, फ्रेंड्स जो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो हमारे पास पत्तियां यूज में लेते हैं उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर को, इस ट्रांसफार्मर को ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार के ऑयल की या कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये नेचुरल जो अपनी नेचुरल हवा होती है बाहर जो एनवायरमेंट पे, उसी से ये क्या होता है ठंडा हो जाता है। फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पास यहाँ पे कोर की संरचना के आधार पर तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर, सेल कोर और यहाँ पे बेरी प्रकार। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। फ्रेंड्स अगर आप वो पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो वीडियो पे पहली बार है वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।